जैसे कि शहरियार मेरा नाम है, मैं यूनाइटेड बैंक से वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुआ था 2008 में, तो हमारी भी इन्होंने पेंशन फ्रीज़ कर दी हुई थी। हालांकि हमारे साथ बैंक ने रिटर्न हमें लिख के दिया हुआ था कि हम आपको पेंशन के वक्त 70% देंगे, जो 1970 का सर्कुलर था उसके तहत, लेकिन इन्होंने हमें फ्रोजन पेंशन पे उस पर दी। और फिर जब हम अदालत में गए तो 2018 में इसी नेशनल बैंक के फैसले की को मद्दनज़र रखते हुए हमारे हक में फैसला हो गया। उसके बाद बैंक वहाँ पे ICA में चला गया 2018 में, और अब 2023 हो गई है, अभी तक उस केस की हेयरिंग ही नहीं हो सकी। बस तारीखें लगती हैं और एडजर्न हो जाता है किसी न किसी वजह से। कितनी तारीखें लग चुकी हैं? मतलब हर साल में कोई एक दो तारीखें लगती हैं, तो वो कभी हमारी बारी नहीं आती, कभी कोई वकील नहीं आता, किसी न किसी तरीके से ना वो एडजर्न। तारीख कब लगी? अभी पिछली नवंबर की तारीख थी काल पर। क्या हुआ? वो के नो स्कोप के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोर्ट में लगाएंगे? ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डबल बेंच में। आपका केस अभी उधर पेंडिंग? अभी उधर है, देखे ना, अब उधर फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट में आएगा ना, तो ऑलरेडी 73-74 तो हमारी एज हो गई है। तो कौन से जज? वो आमिर फारूक साहब ने। सिंगल जज? डबल, DB में गया हुआ ना, UBL अपील में गया हुआ। कौन वकील? कौन हमारे वकील? तो चौधरी अफरा सियाब साहब हैं। और बैंक के वकील? बैंक के सिकंदर बशीर साहब। तो वो हर दफ़ा तारीख ले लेते क्या होता है? अव्वल तो तारीख निकलती नहीं है, अगर निकल है तो कोई कभी हमारी बारी नहीं आती या कोई वकील। कितने ड्यूज पेंडिंग है? जी कितने ड्यूज पेंडिंग है जो आपको मिलने हैं? मेरा जो 2008 में मैंने जब 2011 में रिट की थी ना, उस वक्त मेरे जो ड्यूज बनते थे वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा बनते थे। अब आप देख रहे मिले? कुछ भी नहीं मिला। मिलना क्या है? वो जो एम्प्लॉइज हैं जो आपके साथ हैं, ये हज़ारों में ही हैं। जिस तरह अब मुझे मैंने तो अकेले अपील की हुई है, मेरे साथ दूसरे लोग जो उन्होंने एक इकट्ठा वकील करके एक अपील की हुई है, तो वो भी हमारे में UBL के भी हज़ारों में ही हैं। पेंशन का तो एक ही हिसाब है सबका। आपके हक में फैसला हुआ है? हाँ जी। सिंगल बेंच का? हाँ जी। किसने किया था आपके हक में? वो चीफ जस्टिस साहब थे, बलूचिस्तान के थे, अनवर काशी साहब, उन्होंने किया था। हाँ जी। तो उस वक्त से उस पर नहीं होंगे, बस बैंक ने वो जो 2018 में किया था। 2018 में तो उसके बाद से ICA नहीं लग रही? ICA में हेयरिंग ही नहीं हुई।